वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का आप ही के चैनल जिसका नाम है हम सफ़र आशीष में। तो चलिए चलते एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सब भाई अच्छे और खुश होंगे। तो आज मैं आया हूँ टिकरपड़ा, जो कि अराउंड 55 किलोमीटर है अनगुल टाउन से। तो यहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। पहले आप वो जर्नी देखिए कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, फिर साथ में अंदर चलते हैं टिकरपड़ा के। टिकरपड़ा जाने का जो रूट है, अगर आप अनगुल बस स्टैंड की ओर से अगर आप निकलते हैं और टिकरपड़ा जाना चाहते हैं, तो जो अनगुल संबलपुर के लिए जो रास्ता NH है, उस तरफ आपको जाना है। देन एक हुलुर सिंगा करके चौक आता है, उसके जस्ट बाद आपको एक भारत पेट्रोल पंप मिलेगा एंड उसके बाद एक टोल गेट मिलेगा। तो जस्ट वो टोल गेट के बाद ही लेफ्ट साइड में बंतड़ा का जो रास्ता है टूवर्ड्स, वहाँ आपको जाना है। एंड स्ट्रेट रास्ता है, आपको ईजी होगा नेविगेट करने के लिए। बोर्ड वगैरह भी लगा है, आपको वहाँ से बस सीधा एक ही रास्ता है, वहाँ से आपको जाते रहना है। ऑन द वे में टिकरपड़ा के यहाँ पे आपको एक बाणा दुर्गा गार्डन पिकनिक पॉइंट भी मिलेगा। यह है नंबर अगर आप बुक करना चाहते हैं तो। यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह भी है, बाणा दुर्गा गार्डन सतकोशिया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ भी है कि क्या क्या होता है, जैसे कैंप फायर, रोप क्लाइंबिंग, जंगल सफारी, डे जंगल, मल्टी क्विजीन, रेस्टोरेंट भी है, रिवर, वाइल्ड लाइफ, ये सब यहाँ पे आपको जो है एक्टिविटीज़ भी मिलेंगे। बहुत ही सही प्लेस है ये। जस्ट 30 किलोमीटर पहले टिकरपड़ा के ये प्लेस मिलता है। तो ये सतकोशिया टाइगर रिज़र्व का जो यहाँ पे एंट्री गेट है, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको एंट्री कराना रहता है। तो एंट्री फ़ी पर हेड जो है, यहाँ पे वो है लोकेशन, एंट्री फ़ी पर हेड है 40 रुपीज़ एंड टाइमिंग, एग्ज़िट टाइमिंग है 6 PM। तो यहाँ से पहले आपको एंट्री कराना है, देन उसके बाद फिर आप जाके अंदर यहाँ से आपको एंट्री करना है। और ये जो रूट है वो इतना ब्यूटीफुल है क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट नेचर लवर के लिए है। एंड आप यहाँ पे अपना राइडिंग ड्राइविंग बहुत ही जो है वो एंजॉय करेंगे। एंड कुछ कुछ टाइम जाने के बाद आपको लगेगा कि यार इसको भी शूट करना चाहिए, क्योंकि आपको रुकना पड़ेगा, ब्रेक ले लेके वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और रूट है ये। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे पिकनिक स्पॉट भी मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपना खुद का खाना बना के वहाँ पे एंजॉय करके भी जाते हैं। वहाँ पे स्पॉट बने हुए हैं कि ये पिकनिक स्पॉट है और कौन कौन से एरिया डेंजर है जहाँ पे आप पिकनिक नहीं कर सकते हैं, वो भी वहाँ पे मेंशन्ड है। सो यस, तो ऑलमोस्ट हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं और 1 किलोमीटर के करीब है। बट ये जो लोकेशन में है, हर जगह आप देखेंगे आपको सिर्फ जहाँ पे आप देखो पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे आपको। ये पहाड़ के बीच में पूरा वो एरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये है एंट्री गेट, जैसे आप एंटर करते हैं यहीं पे ही आपको राइट साइड में टिकट लेना है। पर पर्सन 5 रुपीज़ है टिकट। यहाँ पे ऐसे सातकोशिया के मर्चेंडाइज का भी है, टी शर्ट, की रिंग, कॉफ़ी मग एंड कैप भी है। तो इनसे पहले पूछते हैं कि क्या प्राइसेस है, फिर मैं आपको भी अपडेट करता हूँ। तो ये टी शर्ट्स का है 400, देन कॉफ़ी मग का है 200 एंड ये जैसे चाबी रिंग है, ये चाबी रिंग का की रिंग का है 50 एंड कैप है 150। तो कभी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। एंट्री जैसे ही जब करेंगे
एंट्री करते ही राइट साइड में आपको ये मिलेगा। कभी भी आओ यहाँ पे, तो यहाँ से आप इनका मर्चेंडाइज भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे है रेस्ट रूम। प्लेस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, वेल मेंटेन्ड है। एंड यहाँ पे ऐसे सब रूम्स वगैरह भी है, अगर कोई दूर से आते हैं तो स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे। एंड मोस्टली यहाँ पे जो ऑफिसर्स लोग आते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो ज़्यादातर यहाँ पे स्टे करते हैं। एंड यहाँ पे ऐसे जगह जगह पर बैठने के लिए भी बनाया गया है। और ये है डायरेक्ट एंट्री, वहाँ से अगर वहाँ पे कोई स्टे करता है तो यहाँ से आके वो यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है। एंड बहुत ही ऐसे यहाँ पे फन जोन जैसा भी है, गेम करने के लिए भी यहाँ पे प्लेसेस बनाए गए हैं। ये सब फ्री हैं, कुछ भी इनके लिए पे नहीं करना है आपको, देख सकते हैं। एंड जस्ट बगल में ही महानदी का है पहाड़ है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे गेम जोन्स वगैरह बहुत है। देख पा रहे होंगे बहुत जन यहाँ पे ऑलरेडी आए भी हुए हैं एंड उनका वो फन जोन जैसा खेल भी रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे क्रोकोडाइल्स सब सो रहे हैं, उधर भी हैं। यहाँ पे ऐसे फिश के भी हैं, छोटे छोटे फिश यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे टर्टल्स को भी रखा गया, देख पा रहे होंगे साइज़ बहुत ही छोटा है ये। मतलब अगर आपको अभी शायद वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, जो छोटा जो आम रहता है उसका है, और वहाँ पे एक उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा मगरमच्छ ये है, और एक वो पानी के अंदर है। आप देख पा रहे होंगे इसने ऐसे मुंह खुला करके ऐसे रखा है, तो ऐसे करसन से जो भी वो खाते हैं ये सब उनका वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। उसके लिए वो ऐसी धूप में ऐसे करके वो रहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा रामचंडी जी का मंदिर भी है, बहुत ही अच्छा का पीसफुल प्लेस है, घूमने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं, और इस तरफ जितना सब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर और कुछ नहीं, ये खाली है। तो चलते हैं और क्या है यहाँ पे देखते हैं। और साइड में एक लोकेशन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जाते हैं पहले एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये था एरिया जहाँ पे क्रोकोडाइल का फार्मिंग होता है, एंड उसके साथ ही यहाँ पे आपको बोटिंग भी कर सकते हैं। पर हेड जो है वो अराउंड 200 रुपीज़ लगता है, बट अगर ये सीज़न टाइम में जाएंगे तो जो प्राइसेस वो जो हैं वो अप एंड डाउन भी हो सकते हैं। एंड उसके साथ ही वहाँ पे मैंने भी कुछ जो है वो वहाँ पे गेम्स खेले था, एंड अच्छा लगा बहुत ही वो एरिया जो था। गए थे तो सोचा कि चलो एक्सप्लोर कर लेते हैं, देन फिर हम वहाँ से फिर निकले। थोड़ा एक्टिविटी वहाँ करने के बाद फिर ये जो नज़ारा था, ये जो लोकेशन था, वहाँ पे हम थोड़ा बैठे। एंड सिर्फ यहाँ पे आप आएंगे आपको मन करेगा कि कुछ नहीं करने का, सिर्फ बैठ के इस लोकेशन को, इस चीज़ को बस आप देखते रहें, बहुत ही आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। एंड उसके बाद फिर आप वहाँ पे जाके जो है वो पूरा पानी के पास भी जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको ऐसे ट्रैकिंग भी करना पड़ेगा, वो भी हमने किया, नीचे उतरे पूरे पास में गए, एंड फिर हमने नेचर का एंड पानी के जो साउंड्स आ रहे थे वो आपको जो रिलैक्सेशन देता है
बेस्ट है वो। और एक चीज़, अभी जब यहाँ पे हम जो जा रहे हैं पूरे पानी के पास, आप एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनिएगा, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न था, ये महानदी रिवर पर कोई भी क्रोकोडाइल का फार्मिंग नहीं हो रहा था, इसीलिए हम पूरे पानी के पास गए थे। बट आप हमेशा के लिए पहला प्रायोरिटी सेफ्टी को दीजिएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो ये था टिकर पड़ा, एंड ये पास में महानदी का भी हैं, तो सोचा कि ऐसी खूबसूरत नज़ारे के साथ जो है ब्लॉग को एंडिंग कर देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।